अगर आपकी भी बाइक चोरी हुई है और प्राथमिकी दर्ज करवाए हैं नगर थाने में, तो चले आइए एक बार नगर थाना, चूँकि कटिहार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये वाहन है, बाइक है, जिसका कटिहार नगर थाना पुलिस ने बड़ी छापेमारी करते हुए इन 6 मोटरसाइकिल और 9 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल किया है। कटिहार पुलिस ने किया गैंग्स ऑफ मोटरसाइकिल चोर गिरोह का खुलासा। हाल के दिनों में नगर थाना और सहायक थाना के कई थाना क्षेत्र से चोरी की गई 6 मोटरसाइकिल हुए बरामद, 9 लोग हुए गिरफ्तार। एसपी जितेंद्र कुमार ने इस उपलब्धि के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि हाल के दिनों में कुछ मोटरसाइकिल चोरी के मामले सामने आए थे, जिसे पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई शुरू किया है, जिसमें पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली है। आज इस बात को लेकर कटिहार के नगर थाने प्रांगण में पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दिया कि चोर गिरोह का पर्दाफाश हो गया है। आप आइए हम सुनाते हैं कटिहार के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। एक बाइक चोर गिरोह का उद्भेदन हुआ है। कल हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई थी, हम लोग कई दिनों से लगे हुए थे, तो कुछ खरीद बिक्री का जो है बाइक का, चोरी के बाइक का सूचना प्राप्त हुआ था, तो उस पर नगर SHO के द्वारा एक टीम हम लोग गठित किए उसके नेतृत्व में, और कुल जो है 9 लोग जो इस पूरे गैंग में हैं और 6 जो चोरी का मोटरसाइकिल है, जो कि सब वेरीफाई हम लोग कर रहे हैं किस किस थाने से चोरी हुआ है। एक रेल का है, एक पोठिया ओपी का है, कुछ नगर का भी है, क्योंकि इन लोगों ने इंजन चेचिस नंबर को कुछ छेड़छाड़ कर दिया है, तो उससे हम लोग जो है वेरीफाई कर रहे हैं। इसमें मेन जो है वो किन्नू है और दुर्राज, ये कोढ़ा का है और एक जो है भेरिया रहका का है। ये दोनों जो है मेन इसका मास्टरमाइंड है, और इन लोगों का ये रहता है कि जैसे कोई गाड़ी लगाया और लगा करके जो है कहीं गया, तो एक आदमी जो है उसके पीछे जाता है, और जब वो इशारा करता है तो दूसरा आदमी गाड़ी खोल करके किसी सुनसान जगह पर 500 मीटर दूरी पर जाकर उसको लगा देता है। और जब इन लोग देखता है कि गतिविधि वगैरह नहीं है किसी का, तो उसके बाद जो है धीरे से वो गाड़ी को निकालता है। और ये लोग का जैसा बता रहा है, ये लोग बंगाल का बॉर्डर है, उधर जो है ये लोग गाड़ी वगैरह को खपाते हैं, और महंगी 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 गाड़ियाँ हैं, और जो भी है इन सबको जो है बहुत कम ही दामों में ये लोग बेचते हैं। तो इसमें जो है हम लोग सफलता मिली है। अभी इसमें और भी हम लोग काम करेंगे, जो इनके ऊपर के जो गिरोह हैं जो कि ये सब मंगाते हैं, उसको भी हम लोग पकड़ने की कोशिश करेंगे। सर, आप तो तस्करी वगैरह के लिए भी इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, उस पर हम लोग जाँच कर रहे हैं, और इसमें से जो कुछ लोग पकड़ाए हैं वो शराब वाले में चार्जशीटेड भी हैं, तो इसे इनकार नहीं किया जा सकता, हम लोग उसकी भी जांच कर रहे हैं। सर, सारे लोग कल्प्रिट है या फिर कोई खरीदार भी है? नहीं, खरीदार भी कल्प्रिट है जी। जब आपको गाड़ी जो है 5,000 में आप खरीद रहे हैं और आप जो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप जो है चोरी का गाड़ी जो है आप ले रहे हैं, तो आप भी जो है उसमें वैसे क्राइम कर रहे हैं। वैसे भी हैं कुछ लोग हैं, और कुछ लोग जो है प्रोफेशनल हैं। बेसिकली ये पूरा जो है गैंग है, मतलब ये क्या करते हैं, चोरी करते हैं, फिर उसको जो है आगे लेके जाते हैं, खरीदते हैं, फिर आगे जा कर के बॉर्डर पे ये टपाते हैं। तो ये पूरा एक गिरोह ही है, ये सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सर, कहाँ खपाते हैं ये सब? ये अभी हम लोग पता किए हैं, इनका हम लोग तकनीकी अनुसंधान कर रहे हैं कि ये लोग कहाँ कहाँ ये लोग जाते हैं, उससे हम लोग को क्लियर हो जाएगा। पता जैसा लग रहा है इसे ये बॉर्डर, बंगाल का बॉर्डर वगैरह ले जाते हैं। इसके ऊपर भी लोग हैं? हाँ, इसके ऊपर भी।